जैसे ये पहला रविवार है इस महीने का। I don't know about you, but I look forward to this day. मुझे आपके बारे में तो नहीं मालूम, लेकिन इस दिन के लिए मैं रुकी रहती हूँ। I look forward to coming to the house of the Lord. और मैं रुकी रहती हूँ कि मैं परमेश्वर के घर में जाऊँ। And I look forward to that promise, that covenant that Jesus has made with me. और मैं वो वादा और वो वाचा देखती रहती हूँ जो परमेश्वर यीशु ने मेरे साथ बनाया है। And this promise was made much before I even came into this world. और ये वादा जो है मेरे दुनिया में आने से कितने पहले बनाया गया? Because the Lord knew I would need it when I would be here. क्योंकि प्रभु ये जानते थे कि मुझे इसकी जरूरत होगी जब मैं यहाँ होऊंगा। I thank the Lord. और मैं प्रभु को धन्यवाद। He has made a provision. और उसने जो है इसकी जरूरत जो है पूरी की है। Even before I knew sin. और इससे पहले कि जब मैं पाप भी नहीं जानती थी। Before I even came. इससे पहले कि मैं आई थी। He died for my sins. मेरे पापों के लिए वो मर गए। Because he knew. क्योंकि वो जानते थे। I would need redemption. कि मुझे छुटकारे की जरूरत होगी। And I don't know about you, my friend. लेकिन आपके बारे में तो नहीं जानती मैं। But I have so much gratitude to what Jesus did for my sin. और मैं इतने आभारी हूँ कि जो परमेश्वर यीशु ने मेरे खातिर किया। And gave me this opportunity. और मुझे ये मौका दिया। That I can come to the table of the Lord. कि मैं परमेश्वर की मेज तक आ सकूं। Day by day preparing myself. हर दिन अपने आप को तैयार करते हुए। That I could be worthy to be in the presence of God. ताकि मैं इस योग्य बनूं कि परमेश्वर की मौजूदगी में रहूं। If that is how you feel about today. और अगर आज के दिन के बारे में आप ये महसूस करें। If that is you that has looked forward to come on the first Sunday of the month. And celebrate the victory that Jesus has given. और अगर आप वह हैं जो रुके रहते हैं कि ये पहले रविवार है इस हफ्ते का आए और परमेश्वर को धन्यवाद। I want to tell you that you are in the right place today. तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आप सही जगह हैं। Because Jesus did not come into this world only to die. क्योंकि यीशु जी इस दुनिया में सिर्फ मरने ही नहीं आए थे। But लेकिन that death he has brought life. लेकिन उस मौत के कारण वो जीवन ले आए। If you will open in your Bibles to Acts chapter 1. पहले के काम अध्याय 1. I'm going to read verse 3. और वचन तीसरा। As I said that Jesus not only died on the cross and gave us redemption. और आपको जैसे मैंने कहा कि यीशु जी सिर्फ क्रूस पर ही मरकर हमारे लिए छुटकारा नहीं लाए। But after his death he rose again. लेकिन उनकी मौत के बाद भी वो जी उठे। And for a period he was there on earth. और थोड़े समय के लिए वो इस धरती पर थे। एंड व्हेन ही डिपार्टेड फ्रॉम द अर्थ ही हैज गिवन अस हिज होली स्पिरिट। और जब वो इस धरती से चले गए तब उन्होंने अपना पवित्र आत्मा हमें दिया। एज आई ले द फाउंडेशन ऑफ द वर्ड दैट द लॉर्ड हैज स्पोकन फॉर यू टुडे। और जैसे ये बुनियाद से जो परमेश्वर के वचन है जिससे परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं। दिस इज व्हेन जीसस आफ्टर हिज रेजरेक्शन। और ये जब यीशु जी उठने के बाद went to where his disciples had gathered. जहाँ पर यीशु जी गए थे, जहाँ उनके शागिर्द इकट्ठे थे. And the word of God says, to whom also he showed himself alive after his passion by many infallible proofs, being seen of them 40 days and speaking of the things pertaining to the kingdom. उसने लुक उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देते रहे और परमेश्वर के राज्य की बातें कहते रहे। My dear beloved, मेरे प्यारो, there is one word that I want you to see if you're reading from the English Bible. It says, to whom also he showed himself alive after his passion. और अगर आपके पास इंग्लिश बाइबल है तो जिस प्रकार के उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया। See, that's what the beauty of the English Bible is, that it is not talking about the pain, it is talking about the love. और ये बहुत खूबसूरती है ये English Bible की कि वो दुख के बारे में नहीं, लेकिन उसके प्रेम के बारे में। Yes, pain came, but the pain brought that love because of which Jesus came and showed himself alive amongst his disciples. हाँ, दुख तो आया, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने अपना प्रेम दिखाया और आकर अपने आप को जीवित साबित किया। You have to understand this, my friend. आपको ये समझना है मेरे दोस्त। The real story of the cross did not begin when Jesus died on the cross in Golgotha. और असल कथा जो है क्रूस की तब शुरू नहीं हुई जब गोलगप्पा में यीशु जी क्रूस
பன்மறை. The real sacrifice did not begin when Jesus was slain on the cross. और असल बलिदान तब नहीं शुरू हुआ जब क्रूस पर यीशु जी मरे. But my dear friends, it began in the Garden of Eden. लेकिन मेरे दोस्तों ये इधर के बाग में शुरुआत हो. We're going to see from the Word of God today why it is so important for a believer to know. और आज हम देखेंगे उसके वचन के द्वारा कि एक विश्वासी को ये जानना क्यों जरूरी है. And why is it important for us to understand the purpose of God in our lives? और क्या मकसद है क्यों परमेश्वर हमारे जीवन में है? Because you and I need to understand this truth, and it is that truth which will set us free. क्योंकि ये सच्चाई आपको मुझको जाननी है कि तो ये सच्चाई आपको आजाद करेगी. How many of you sitting here do not even know what is the purpose of your life? और कितने लोग यहाँ पर बैठे ये भी नहीं जानते कि उनके जीवन का क्या मकसद है? The reason being that you have not yet known the Lord in the closeness of your relationship. और आपने जो है यीशु जी को अपने रिश्ते में नजदीक से नहीं देखा है. My dear beloved, मेरे प्यारे, God has a purpose for each of our lives. परमेश्वर का मकसद है हर एक के जीवन में. And no one thing. और एक बात जानिए. That the purpose is not only that you be rich, you do business, you make money, you do this, you go there, you become popular. No. और मकसद उसका यह नहीं है कि तुम जो है बहुत ही धनी बन जाओ, तुम ये करो, तुम वो करो, तुम बड़े बड़े काम करो, ये नहीं. Those are just the perks. ये तो सिर्फ आपको बोनस मिला है. But the actual purpose of your life. लेकिन सही मकसद जो आपके जीवन for which the Lord has created you. जिसके कारण प्रभु ने आपको रचा है. Is for you to be that body that will crush the enemy under your feet. ताकि आप ऐसा शरीर बने कि आप अपने दुश्मन को अपने पैरों तले रौंद दे. Do you understand this, my friends, that Satan cannot defeat God? क्या आप ये जानते हैं कि शैतान परमेश्वर को नहीं हरा सकता? And the truth is that those of you who know God as your personal savior through Jesus Christ, Satan cannot even defeat you. और आप ये जानते हैं कि आप जो परमेश्वर को जानते हैं, आपने जो है यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को जानते हैं, आपको भी शैतान नहीं हरा सकता. Turn to somebody besides you and tell them, my dear brother, my dear sister, Satan cannot defeat you. अपने अड़ोसी पड़ोसियों को देखकर अपने भाई बहन आगे उनसे कहो कि शैतान तुम्हें नहीं हरा सकता. My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, the truth is, सच्चाई यह है, that Satan cannot defeat you. कि शैतान तुम्हें नहीं हरा सकता. And Satan knows this. और शैतान ये जानता है. But Satan has to do his part, doesn't he? लेकिन शैतान को तो अपने हिस्से का काम करना है. So he uses the age old remedy. और इसलिए वो अपना सबसे पुराना तरीका इस्तेमाल करता है. What is the age old remedy? He cannot defeat you, so he will go and touch one of your loved ones. और वो आपको नहीं हरा सकता, इसलिए वो क्या करेगा, आपके अजीज को जाकर छू लेगा. He will attack your loved one. और आप जिससे प्रेम करते हो उस पर हमला करेगा. You will say, well, what will that do to me? आप कहोगे उससे मुझे क्या होगा? Ever had your loved one go through something? अभी आपने देखा है कि जिससे आप प्रेम करते हो वो अगर मुश्किलों से गुजरता है तो? Does it bother you? क्या तब आपको फिक्र नहीं होती? Satan cannot do anything to you. शैतान आपका तो कुछ नहीं कर सकता. All he has to do is go to your loved one and harass them. और उसे क्या करना है कि जो आप जिससे प्यार करते हैं जाकर उसका गला पकड़ ले. Amen. Amen. When he has done that, जब वो ये कर लेता है, and this is somebody you are so much in love with, और ये जिसको आप बेहद प्रेम करते हैं, this is your husband, this is your wife, this is your father, this is your mother, this is your child, ये कोई भी हो सकता है, आपका पति हो सकता है, आपकी पत्नी हो सकती है, आपका माता हो सकती है, पिता हो सकता है, आपका बच्चा हो सकता है. This is your beloved. और ये आपका बहुत ही चाहिदा है. When he goes and attacks someone whom you love, और वो जाकर उस पे हमला करता है जिसको आप बेहद प्रेम करते हैं, then he has got to you. तब आप तक पहुंच गए. So remember this, my friends. और इसलिए याद रखो मेरे दोस्तों. It is good for us to have confidence. और ये अच्छी बात है कि हम अपने आप में साहस रखते हैं. But it will be to your loss to walk in overconfidence. और जितना से बहुत ज्यादा साहस में चलोगे तो कुछ गवा दोगे. But with understanding of the word of God. लेकिन उसी तरीके से परमेश्वर के वचन को समझते हैं. We understand that Satan works by strategy. और हम ये जानते हैं कि शैतान जो है चालें चलता है. And he is not doing this only since Jesus came on earth. और जब से यीशु जी आए तब से ही वो नहीं कर रहा है. This is his age old strategy that he used even in the Garden of Eden. और ये उसका बहुत ही पुराना तरीका है जो चाल उसने ईदान के बाग में चली. Bible says, Bible कहती है, God created Adam. कि परमेश्वर ने आदम को बनाया. And God loved Adam.
और परमेश्वर आदम से बेहद प्यार करते थे. Satan could not just bear that. और शैतान ये सह नहीं पाया. And that was when Satan got jealous. और उस समय शैतान को जलन हुई. Beloved, मेरे प्यारो, don't ever let jealousy enter your life. कभी भी वो ईर्ष्या आपके जीवन में मत आ जाए. Because that is not from God. क्योंकि वो प्रभु की ओर से. It is a fruit of the flesh, the Bible says. और बाइबल कहती है कि ये शरीर का फल है. And Satan, और शैतान, he knows how to attack the flesh. और वो ये जानता है कि शरीर पर कैसे हमला करना है. He was jealous. और वो ईर्ष्यालु था. Why? क्यों? Because he had already, before Adam was created, been kicked out of heaven. क्योंकि आदम को रचने से पहले उसे स्वर्ग में से निकाल दिया गया. Because God hated Satan's ways. क्योंकि परमेश्वर को शैतान के रास्ते बिल्कुल पसंद नहीं थे. His ways were evil. उसके रास्ते बुरे थे. And Satan could not take it that somebody else has taken my place. और शैतान ये सह नहीं सका कि किसी और ने मेरी जगह ले ली है. You know, there's a lot of favoritism that's going on. और बहुत ही पक्षपात चल रहा है. He thinks once I was God's favorite, how come Adam has become his favorite? कि एक बार तो मैं उसका चहेता था, अब आदम कैसे चहेता होगा? And he could not just bear it. और वो सह नहीं पाया. And my dear beloved, और मेरे प्यारों, he used his age-old remedy then. और वो फिर जो है अपनी पुरानी चालें चलता है. In Genesis, उत्पत्ति में, the Bible says, बाइबल कहती है, that when sin entered, कि जब पाप आ गए, what happened? क्या हुआ? That did not enter by itself, but they were enticed by Satan. और वो अपने आप में ही प्रवेश किया, लेकिन वो शैतान की जाल में फंस गया. Where did it enter? और कहाँ पर दाखल हो गया था? Anyone? कोई जन जानता है? Sin entered into the lives of those whom God loved the most. और पाप उनके जीवन में प्रवेश कर गया जिसे परमेश्वर बेइंतहा मोहब्बत करते. This is man I'm talking about. और ये इंसानों के बारे में जिसके बारे में मैं आपसे कह रही हूं. He did not make the angels in his image. He made you and I in his image. उसने फरिश्ते अपने रूप में नहीं बनाया, पर उसने आपको और मुझको अपने रूप में बनाया है. It was not impossible for God to get rid of Satan. ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी कि शैतान से परमेश्वर छुटकारा पाए. If we who have believed and said our God is great, he is mighty, he is all powerful. हम जो परमेश्वर में विश्वास करते हैं, हम कहते हैं कि हमारा परमेश्वर महान है, वो अद्भुत है. Then what's the big deal? तो इसमें क्या बड़ी बात? He could easily get rid of Satan. तो आसानी से छुटकारा पा सकता है शैतान. But see the situation, beloved. लेकिन ये हालात देखो मेरे प्यारे. Stay with me on this word. और इस वचन पर ध्यान टिकाए रखो. And understand. और समझो इसे. What happens here? यहाँ पे क्या होता है? When Satan, to do his evil, goes and attacks one whom God loves. और शैतान जो अपनी बुराइयां करना चाहता है, दूसरों पर लादना चाहता है, वो उस पर जाके हमला करता है जिस पर परमेश्वर प्रेम रखते हैं. God cannot go and kill that person. तब परमेश्वर वो इंसान को जाकर नहीं मार सकते जिसे वो प्यार करते हैं. Why? क्यों? Because he loves you and I. क्योंकि वो आपको और मुझसे प्यार करता है. And because Satan has used you. क्योंकि शैतान ने आपको इस्तेमाल किया. God cannot kill you to kill Satan. तब परमेश्वर आपको नहीं मार सकता ताकि वो शैतान को मार. So Satan knows he loves you enough. He's not going to kill you. और शैतान ये जानता है कि आपको बहुत प्यार करता है और उसलिए आपको वो मारेगा नहीं. He knows to destroy him, God has to destroy you. और वो जानता है कि उसको बर्बाद करने के लिए परमेश्वर ने आपको बर्बाद. Are you with me, church? कि आप सहमत हैं हमारे. And he takes advantage of that. और उसका वो फायदा उठाता है. If he cannot do it in your lives, अगर वो ये आपके जीवन में नहीं कर सकता, he goes and he attacks your loved ones. तब वो जाके आपके चहितों के या आपके अजीजों के जीवन में हमला करता. And this is where the cycle does not finish of his interference in the house and the homes of the believers. और ये चक्र जो है रुकता नहीं है और वो लगातार जो है दाखिल होता रहता है विश्वासियों के घरों में और जीवन में. The Bible says, Bible कहती है, that God created man in his own image, in his own likeness. परमेश्वर ने इंसानों को अपने रूप में और अपनी समानता में बनाया. He made them for his pleasure. और अपनी खुशी के लिए बनाया. Have you ever had pleasure from your children? और कभी आपको खुशी मिली है अपने बच्चों से? When you look at them, do little pranks, when you see them, hey, when you see them grow up. छोटे बच्चे जब आप उन्हें खेलते कूदते देखते हैं, जब उन्हें बढ़ते हुए देखते हैं, what does that do to you? और ये बात आपके लिए क्या करती है? It gives you pleasure. तब खुशी होती है. Are you with me, church? तो
क्या आप सहमत हैं? And that's why God created you and me, each one of us that is here for His pleasure. और इसीलिए परमेश्वर ने आपको और मुझको बनाया है और परमेश्वर ने अपनी खुशी के लिए हर एक जन को बनाया. The Bible says in Genesis. और बाइबल कहती है उत्पत्ति. That God would come in the cool of the evening in the Garden of Eden. कि परमेश्वर जब शाम में ठंडक होती तो इधर के बाग में आते आदम से मिलने. He does not only like to come when you say we enthrone you on Sunday. He wants to come every day of your life and be with you. और उसे तब नहीं अच्छा लगता है ना कि एक रविवार एक दिन आप कहते कि आओ मैं आपके लिए सिंहासन बनाता हूँ आओ और बैठो पर वो हर दिन आपके. The fact of the matter is that He created you for His pleasure. और सच्चाई तो है कि उसने अपनी खुशी के लिए आपको बनाया है. He created Adam for His pleasure. और आदम को बनाया अपनी खुशी के. And he would come into the garden every evening. और उस बाग में वो हर दिन आता. But one day when God came. लेकिन एक दिन जब परमेश्वर आए. He could not find Adam. तब कहीं भी आदम नहीं मिला. He could not find Eve either. और हवा भी नहीं मिली. And God said, Adam, where are you? और परमेश्वर ने कहा आदम तू है कहाँ? Behind the bushes came out a man clad in fig clothing. और झाड़ियों से एक आदमी निकला जिसने अपने आप को अंजीर के पत्तों से ढका हुआ. And the woman had also covered her nakedness with fig clothing. और उस स्त्री ने भी अपने नंगेपन को अंजीर के पत्तों से ढका था. And they both came before God. और वो दोनों परमेश्वर के सामने आए. And they had realized that they were naked because sin had come in their lives. और उन्हें ये एहसास हो गया कि वो नंगे हैं क्योंकि पाप उनमें आ गया. And they covered their nakedness with fig leaves. और उन्होंने अपने नंगेपन को अंजीर के पत्ते से ढका. Beloved, मेरे प्यारे, they thought that that covering was enough to cover their sin. और वो लगता उन्हें ऐसा लगा कि ये जो ढकना है काफी है अपने पापों के लिए. They have covered their nakedness so nobody can see them naked. और उन्होंने अपने नंगेपन को ढक लिया था ताकि कोई उन्हें नंगा ना देखे. But that all-knowing God, लेकिन वो परमेश्वर जो सब कुछ, even though he pitied their state of sin. और उसे जो दया भी आई उनकी पाप की इस हालत पर. Even though he regretted that day when he lost his beloved. और उस दिन वो पछताया जब उसके प्यारों को उन्होंने गवा दिया. He made them for his pleasure, but now Satan has come and spoilt that fellowship. और उसने बनाया था अपनी खुशी के लिए इन्हें और शैतान ने आकर उन खुशी को बिगाड़ दिया. Beloved, the Bible says. मेरे प्यारों, बाइबल कहती है. The all-knowing God knew. वो परमेश्वर जो सब कुछ जानते हैं. He knew that these leaves would dry. वो ये भी जानते हैं कि पत्ते सूख जाएंगे. Because they were taken out from the source of their strength. क्योंकि डालिए से जहाँ से हमें ताकत मिलती है हटा दिए गए. Any leaf that you pluck from the tree, how long do you think it will stay? और कोई भी एक पत्ता जो अपने पेड़ से अलग कर दिया जाता है कितने देर तक वो जिंदा रहता है? Maybe a day or two or three. चाहे वो दो या तीन दिन या चार दिन इससे ज्यादा. But eventually that leaf will dry and wither away. और धीरे धीरे वो पत्ता जो है सूख जाएगा और मर जाएगा. My dear beloved, मेरे प्यार, God knew that these leaves by which they are hiding their nakedness, they have made a covering for their sin. और परमेश्वर ये जानते थे कि जिन्होंने ये जो पत्ते लेकर अपने आप को ढका है जिन्होंने अपने पाप को ढका है. These leaves are going to dry out because they have been taken, separated and removed from their source. और ये पत्ते तो है सूख जाने वाले हैं, मर जाने वाले हैं क्योंकि वे अपने जरिए से अलग कर दिए गए. And the same is the condition of many Christians today. और ऐसी हालत कितने मसीहों की भी है. You think that you can cover your sin by whatever covering, but how long is the question before you? और आप सोचते हैं कि कोई भी चीज लेके आप अपने पापों को ढक सकते हैं लेकिन कितनी देर तक आप ये कर सकते हैं? Because when you separate from the source, क्योंकि जब आप अपने जरिए से अलग हो जाते हैं, how long will your covering be alive? और आपका जो ढकना है कब तक जीवित रहेगा? That is why friends, और इसीलिए दोस्तों, my beloved, मेरे प्यारों, that is exactly why in the Garden of Eden that day God picked up an innocent lamb. इसीलिए उस दिन उस ईदन के बाग में उन्होंने एक बेकसूर मेमना लिया. And he stripped its skin. और उसकी खाल उतारी. And he covered Adam and Eve's nakedness. और उन्होंने आदम और हव्वे के नंगेपन को ढका. And there lay that lamb. और वहां पर वो मेमना पड़ा हुआ था. Bleeding. लहू से सना हुआ था. For some reason,
it did not deserve to bleed. और वो उसने ऐसा कुछ नहीं किया था कि जिसके कारण उसके साथ ऐसा हुआ. It was a sinless lamb. और वो पापहीन मेमना था. It did not do anything. उसने कुछ भी नहीं कर सका. But to cover the sin of Adam and Eve. लेकिन आदम और हव्वा के पाप को ढकने के लिए. God had to strip it. परमेश्वर को उसकी खाल निकालनी पड़ी. And let it bleed to death. और इतना लहूलुहान हो गया कि वो मर गया. So they could be covered. ताकि वो ढक दिए जाओ. Are you with me, church? आप मेरे साथ सहमत हैं कलीसिया? The first sacrifice was not at the cross of Calvary. The first sacrifice was in the Garden of Eden. और पहला जो बलिदान था वो क्रूस पर नहीं हुआ लेकिन सबसे पहला बलिदान वो ईदन के बाग में हुआ. It was when that innocent lamb was stripped and killed, so there could be a covering for the sin that Adam and Eve had committed. वो तब था जब वो बेकसूर मेमना का वध कर दिया गया था, उसकी खाल उतारी गई थी ताकि आदम और हव्वा के पाप को ढक दिया जाए. When they were covered with that blood-clad skin of the animal, और उस हाथ से जो खून से सनी हुई थी जब उससे वो ढके हुए थे. God did not see their sin but saw their covering. परमेश्वर ने उनके पाप को तब नहीं देखा लेकिन जिस चीज से वो ढके हुए थे उधर देखा. And that is the day. और वो दिन था. God said. प्रभु ने कहा. The seed of the woman. और स्त्री की वंश. Will crush the head of the enemy. दुश्मन के सर को कुचलेगी. This is the day that God decreed it. और उस दिन परमेश्वर घटते गए. And that day God said. और उस दिन प्रभु ने कहा. That the seed of the woman. के स्त्री के जो वंश होगी. Is going to crush the head of the enemy. दुश्मन के सर को कुचल देगी. And who heard it? और किसने सुना? Satan heard it. शैतान ने सुना. And Satan knew that this is going to happen. और शैतान ये जानता था कि ये होने वाला. Because what God says, God does. जो प्रभु कहते हैं वो करते हैं. And where there is sin, death is inevitable. और जहाँ पर पाप है वहाँ मौत तो आनी है. So Satan, who is the most cunning person, और वो जो शैतान सबसे चालाक है, he knew that I will be crushed by the seed of the woman. और वो ये जानता था कि मैं जो हूँ उस स्त्री के वंश से कुचला जाऊंगा. He stood there thinking, I brought sin in them so that God would kick them out. और मैं उनमें पाप लेके आया ताकि परमेश्वर उन्हें इस बात से निकाल दे. I brought sin in them so that God would blame them. और मैं पाप लाया उनके अंदर ताकि परमेश्वर उन पर दोष लगाए. I brought sin in them so that God would see them and say, get out from my presence. और मैं पाप लाया इनके जीवन में ताकि परमेश्वर ये कहे कि मेरी मौजूदगी से निकल जाओ. He saw them. और परमेश्वर ने and he despised man that day. और उस दिन धिक्कारा इंसान को. And he made a plan. और उसने योजना बनाई. That the seed of the woman will not be able to destroy him. कि स्त्री का जो वंश है वो उससे बर्बाद नहीं करेगा. My dear beloved. मेरे प्यारे. It was that day. वो दिन था. Satan's strategy began. और शैतान की चाली शुरू हुई.